हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनरिचिंग टॉक्स। हाउ आर यू डूइंग टुडे? आज का हमारा टॉपिक है सैलरी नेगोशिएशंस। एक ऑफर लेटर में क्या क्या होता है और आपको ऑफर लेटर में क्या क्या देखना चाहिए बिफोर आप कोई जॉब ले। ये टाइमली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉलेजेस में प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने वाला है और काफी लोग भी इस समय के आसपास अपना जॉब चेंज करने का सोचते हैं। इसलिए आज हम डिस्कस करना चाहते हैं, पहला कि ऑफर लेटर होता क्या है, उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, क्या आपको जो ऑफर लेटर में सैलरी मिली है वही क्या आपके बैंक में शो करेगी, या क्या डिफरेंस होता है उस चीज के अंदर। थर्ड, आपको कंपनी से क्या क्या सवाल पूछना चाहिए एक ऑफर लेटर के बारे में, या क्या वो चीजें जो आपको मालूम होना चाहिए कि इस ऑफर में ये इंक्लूडेड है या रेड फ्लैग है। एंड फाइनली हम बात करेंगे सैलरी निगोसिएशन के बारे में, कैसे आप एक बेटर सैलरी निगोशिएट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ऑफर लेटर होता क्या है? ऑफर लेटर सिंपल शब्दों में सिर्फ यही है कि कंपनी जो आपको ऑफर कर रही है एज अ सैलरी, एज अ बेनिफिट्स, उसका पूरा पैकेज बना के वो आपको एक समरी देती है। उसमें आपके डिटेलिंग्स कि आप क्या काम करेंगे, आप में क्या कंस्ट्रेंट्स लगाई जा रही है, वो सब भी मेंशन होगी। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप आपका ऑफर लेटर पूरा ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। किसी भी ऑफर लेटर को डिसाइड करने से पहले कि हाँ एक अच्छा जॉब है या नहीं, आमतौर पर हम सोचते हैं कि चलो सैलरी को ऐसे मेट्रिक ले लेते हैं, जिसने ज्यादा सैलरी दी वो हमारे लिए सही ऑफर लेटर हो जाएगा, राइट? वो कंपनी हमारे लिए सही हो जाएगी, हमें वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। पर ऐसा कई बार सही नहीं होता है, स्पेशली आज के एनवायरमेंट में जहां अदर बेनिफिट्स और जो साथ का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है दैट टेक्स प्रेसिडेंट ओवर कि आप आज कितना कमा पा रहे हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं ये कि जो सैलरी आपको ऑफर लेटर में लिखी गई थी क्या वही आपके बैंक में शो करेगी। फिर हम बात करेंगे कि और वो क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो देखना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है सैलरी से। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका एक जॉब लगता है जहां आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है 12 लाख रुपीज ईयर, राइट, विच कम्स आउट टू बी 1 लाख रुपीज अ मंथ। तो अब क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 लाख रुपीज आपके अकाउंट में दिखेंगे हर मंथ के एंड पे? वेल, नॉट रियली। इसमें भी काफी कैवेट्स होते हैं। आपका सैलरी जो ब्रेक होता है वो ब्रेक होता है कंपनी बेनिफिट्स प्लस आपका ग्रॉस सैलरी के अंदर। अगर आपका ग्रॉस सैलरी कंपोनेंट ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा सैलरी उसमें आएगी आपके बैंक के अंदर। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर 1 लाख के अंदर आपको पोटेंशियली क्या मिल सकता है, राइट? तो मान लीजिए कि ए प्लस बी जो आपका सीटीसी है, जो आपको कंपनी बोलती है कि आपको 12 लाख रुपीज का सीटीसी मिला है, उसमें कंपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों इंक्लूड करती है। लेट्स एज्यूम कि वो 1 लाख रुपए पर मंथ आता है। इस 1 लाख रुपए पर मंथ से कंपनी को कंफर्म रहता है कि उन्हें 12% जो आपका बेसिक का होता है, विच इज अबाउट 1800 रुपीज पर मंथ, और 12% ऑफ बेसिक वो उन्हें आपके पीएफ में देना कंपलसरी है, राइट? सो 12% ऑफ बेसिक यहाँ पे आ जाएगा आपका 12,000, लेकिन मान लेते हैं आपने 1800 डिसाइड किया है तो 1800 वहां चला गया। फिर इसमें आपको आता है ग्रेचुटी और अदर बेनिफिट्स, जिसके लिए और थोड़ा सा पैसा वहां से बाहर निकल जाता है। सेम में जब ग्रॉस सैलरी की बात करते हैं तो वो बचा हुआ कंपोनेंट हो गया, जिसमें आपको देखना है कि आपका बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर कितना है। बेसिक सैलरी जितनी ज्यादा होगी उस पर टैक्स उतना ज्यादा लगेगा, नॉर्मली इट्स 30-50% रेंज में। सेकंड हो गया आपका एचआरए, विच इज योर हाउसिंग रेंट अलायंस। हाउसिंग रेंट अलायंस इसलिए काम आता है क्योंकि अगर आप कहीं दूसरे शहर में रह रहे हैं जहां आप घर रेंट कर रहे हैं, तो उस रेंट अमाउंट के ऊपर आप टैक्स बचा सकते हैं और आपका नेट नेट जो टैक्स लगता है वो उस टोटल सैलरी माइनस रेंट पे लगता है। सिमिलरली स्पेशल अलायंसेस होते हैं। तो फाइनली अगर ये हो जाए और आपका डिडक्शन कंपनी करे प्रोविडेंट फंड का, प्रोफेशनल टैक्स का और इनकम टैक्स जो आपका लगेगा, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए की है तो आपको 84-85,000 के आसपास आएगा। इसलिए ये जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है कि आपका सैलरी का ब्रेकअप क्या है। ये पूरा ब्रेकअप का खेल है। अगर आपका बेसिक बढ़ जाएगा, एचआरए घट जाएगा, तो आपका टैक्स ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली अगर एचआरए बढ़ गया और अदर बेनिफिट्स आपके बढ़ गए और बेसिक कम रह गया, तो टैक्स में आप थोड़ा सा बेटर कर पाएंगे। तो इसलिए सैलरी कंपोनेंट को जरूर देखें। अच्छा, कई बार ये भी होता है एक कंपनी बोलती है हम आपको 12 लाख का सीटीसी दे रहे हैं और एक कंपनी बोलती है 18 लाख का सीटीसी दे रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 18 लाख सीटीसी जो कंपनी दे रही है वहां आपको सैलरी आपके अकाउंट में ज्यादा आएगी? क्योंकि इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो आना चाहिए, 12 के हिसाब से 84 आ रहा है तो 18 के हिसाब से मे बी 1,20,000 के आसपास आएगा। पर ऐसा जरूरी नहीं है। काफी कंपनियां ये भी करती है कि वो अपने 18 लाख के पैकेज में अदर बेनिफिट्स को इंक्लूड कर देती है कि जैसे हम आपको मेडिकल इंश्योरेंस देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, या कुछ आपके ऊपर खर्चा और ऑफिस में किया जाएगा उस चीज के ऊपर। ध्यान रखिए कि सीटीसी को ब्लोट किया जा सकता है इन सब चीजों को ऐड करके, क्योंकि टेक्निकली ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है टू द कंपनी। आइडियली ये होना नहीं चाहिए इफ दे आर एडिंग ये कॉस्ट। अगर ये सारी कॉस्ट को इंक्लूड किया जा रहा है तो मानिए कि कहीं ना कहीं एक रेड फ्लैग है वो। प्रोविडेंट फंड यस शुड बी इंक्लूडेड,
ग्रेचुटी टू सम एक्सटेंट शुड बी इंक्लूडेड, बट उसके अलावा अगर कोई भी कॉस्ट कंपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट में डालती है और उसको सीटीसी का पार्ट बताती है तो यू नीड टू लुक एट द ऑफर लेटर अगेन. आपको ध्यान से वो देखने की जरूरत है क्योंकि ये एक रेड फ्लैग है. काफी कंपनियां उसको बूस्ट करती है अपने सीटीसी को इसके लिए, तो जरूर चेक करें कि आपके सीटीसी का ब्रेकअप क्या है, बिकॉज दैट विल टेल यू कि आपको एक्चुअल में सैलरी कितनी आ रहा है. कंपनी आपको 20-30 लाख बता देगी, लेकिन अगर आपको सैलरी 15 लाख के हिसाब से ही आ रही है ग्रॉस सैलरी के सेक्शन के अंदर से, तो देन वो ऑफर लेटर इतना बड़ा नहीं हुआ आपके लिए. तो इस चीज को जरूर समझें. अब बात करते हैं कि सैलरी के अलावा आपको और क्या चीजें देखना चाहिए जब आप एक ऑफर लेटर को डिस्कस कर रहे हैं कंपनी के साथ. जब भी आपको ऑफर लेटर मिल रहा है तो सबसे पहले आप कंपनी से ये भी पूछेंगे या उस ऑफर लेटर में चेक करेंगे कि आपका बेनिफिट्स पैकेज क्या है, क्या आपको वो बेनिफिट्स अपीलिंग लग रहे हैं, क्या हेल्थ कवर की गई है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, क्या लाइफ इंश्योरेंस कवर किया गया है आपके लिए, इज देयर एनी अदर मेडिकल थिंग्स अलाउड टू यू, क्या आपको कोई और फैसिलिटीज दी जा रही है जैसे कंपनी ऑफ साइट हो गया या और रिट्रीट्स हो गए या इन जनरल. ये सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके हेल्थ, आपकी मेंटल फिटनेस और आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए कंपनी क्या कर रही है. कई बार वो हो जाएगा कि आपने एक ऐसे फील्ड में जॉब ले लिया है जहां बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, 12-14 घंटे आप काम कर रहे हैं, सैलरी आपको ब्लोटेड दिखेगी वहां पे क्योंकि अगर 12-14 घंटा काम करते हैं तो जनरली सैलरी थोड़ी सी हायर एंड पे होती है. पर ये मानिए कि आपका मेंटल स्ट्रेस कितना बढ़ रहा है. तो सिर्फ आज के हिसाब से नहीं सोचना है, आप जॉब जब शुरू करते हैं तो आप 30 साल तक उस जॉब में रहने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि आप ये चेक करें कि बेनिफिट साथ में क्या है ताकि आप बर्नआउट नहीं हो. सेकंड चीज, आपको आपके एचआर से या जो हायरिंग पीए है उससे, जो टैलेंट एक्विजिशन पीओसी है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उससे पूछना चाहिए क्या ये सैलरी नेगोशिएबल है. एंड अगर ये सैलरी नेगोशिएबल है देन यू शुड हैव अ पैरामीटर आपकी कहाँ तक आप उसको नेगोशिएट करना चाहते हैं. इसके बारे में हम एक सेपरेट बाद में बात करेंगे बिकॉज दिस इज अ वेरी डेलिकेट मैटर. ये आपको ज्यादा सैलरी दिला भी सकता है लेकिन आपको डिरेल भी कर सकता है, तो इसके लिए भी कुछ डूज एंड डोंट्स है जो मैं डिस्कस करूंगा फ्यूचर में. आपके जो पर्क्स हो गए जो मैंने मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस बताया है, उसके अलावा और क्या कंपनी पर्क्स है वो आपको पता करना चाहिए. क्या आप टाइम ऑफ ले पाएंगे कंपनी में जब आपको जरूरत होगी, इज देयर एनीथिंग एल्स अट्रैक्टिव दैट कंपनी इज ऑफरिंग, आपका वेकेशन टाइम पीरियड कितना है, क्या वो बाकी कंपनियों में जो ऑफर होता है जनरली 20 छुट्टियां साल के हिसाब से उससे कम है या ज्यादा है. अगर कम है तो वो भी एक रेड फ्लैग हो जाएगा आपके लिए. आपको ये भी पता करना चाहिए आपके एचआर से कि कंपनी का कल्चर कैसा है, अदर एम्प्लॉयज जो है वो क्या बात कर रहे हैं, चेक इट ऑन ग्लास डोर कि कंपनी के रिव्यूज कैसे हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन कि कंपनी आपको बता क्या रही है ऑफर लेटर में और अंदर जाके आपको क्या मिलता है. इंसेंटिव कंपनसेशन इज अनदर थिंग दैट वी शुड आस्क फॉर इन एटलीस्ट टूडेज जनरेशन. लाइक आज जो सारे ऑफर्स आने लग गए हैं वो इसी चीज पे बेसिस हैं कि ओके यू नॉट ओनली मेक द कंपनी ग्रो टूडे बट आज से 4-5 साल अगर आप कंपनी को देते हैं तो वॉट इज द इंसेंटिव दैट दे आर गिविंग. क्या वहाँ कोई एनुअल बोनसेस है, अगर है तो वो किस चीज पे लिंक्ड है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर या कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर, और वो कैसे वेरी करता है. Is there any ESOP plan, the employee stock option purchase program, and are they giving you stock options basically, जो 4 साल के पीरियड में वेस्ट होते हैं. अगर दे रहे हैं तो किस रेशियो में दे रहे हैं, क्या आपके वो CTC के बराबर है, क्या आपके CTC से आधा है, ज़्यादा है, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम इस पर एक रेड फ्लैग आपको ये खुद नोटिस करना होगा कि ऐसा मत सोचिएगा किसी कंपनी ने बोला है आपका CTC 12 है और हम आपको 12 लाख रुपए के ESOPs दे रहे हैं तो इट्स अ गुड वैल्यू और अ लेसर वैल्यू. थिंक अबाउट उस इंडस्ट्री में उस कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है. अगर वो कंपनी ग्रो ही नहीं कर पाएगी तो वो 12 लाख के ESOPs आपके लिए आगे जाके कभी कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, सो इट्स इक्विवेलेंट टू जीरो. लेकिन अगर वो कंपनी ग्रोइंग इंडस्ट्री में है, वो अच्छा कर रही है, मार्केट लीडर है, खुद ग्रो होने वाली है, तो वो 12 लाख शायद 12 करोड़ बन जाए, 1.2 करोड़ बन जाए. थिंक इन द डायरेक्शन की जो सब स्विगी जोमैटो ये सब कंपनियाँ छोटी थी और इन्होंने ESOPs ऑफर करना चाहे थे, तब अगर आप ये सोचते कि हाँ नहीं ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री विल ग्रो और इसलिए हम उसे बैट करना चाहते हैं, तो आज आप देखिए स्विगी और जोमैटो उस साइज से कितना बड़ा हो चुका है. तो कभी भी जब आपको स्टॉक ऑप्शंस मिल रहे हैं उसे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से इवैल्यूएट कीजिए कि क्या वो फ्यूचर एस्पेक्ट जो है उसके वो बेनिफिशियल हैं, बिकॉज इफ इट इज नॉट देन इट्स इक्विवेलेंट टू जीरो फॉर यू बिकॉज यू विल नेवर हैव एन एग्जिट फॉर दोस स्टॉक ऑप्शन, यू विल नेवर बी एबल टू सेल इट. But if there are good prospects, you don't need to worry to sell it. It will grow on its own. And तब आपका salary component पे आप सोच सकते हैं कि हाँ अगर कहीं पर थोड़ी सी कम salary मिल रही है आपको पर आपको ये ESOPs जो है बहुत valuable लग रहे हैं तो I would suggest prefer lower salary over higher salary, but focus on those ESOPs component if you think those ESOPs are valuable.
इसके अलावा ये जरूर चेक कीजिए कि अगर आप सिटी से माइग्रेट हो रहे हैं तो इज देयर एनी रिलोकेशन पॉलिसी दैट द कंपनी हैज, कैन दे प्रोवाइड सम हेल्प यू विद दैट, बिकॉज़ समटाइम्स वो स्टार्टिंग हेल्प आपको रिक्वायर हो जाती है. इट्स नॉट अ मेक और ब्रेक फॉर एन ऑफर लेटर, बट इट्स गुड टू नो व्हाट इज द रिलोकेशन पॉलिसी दैट द कंपनी हैज. आर दे बेयरिंग द रिलोकेशन एक्सपेंस, आर दे हेल्पिंग यू आउट इन सम सेंस. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच आई पर्टिकुलर फील, हाउ मच इज द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन द कंपनी. You will realize in your career, जैसे जैसे आप progress करेंगे कि जहां से आप शुरुआत करते हैं आप वहां से कहीं और ही direction में चल जाते हैं. आपके किसी भी role model को देख लीजिए, उन्होंने जहां से शुरुआत किया था वहां से वो कितनी दूर आ गए हैं. और इसका एक simple सा reason होता है the on the job education, जो उन्होंने company में सीखा है या साथ में रहते हुए उन्होंने additional training receive की या खुद करा है grow करने के लिए. At every stage of career, don't feel like you have done all its, आपका जॉब लग गया है तब तो बस आप ग्रो होते रहेंगे यहाँ परफॉर्म करते रहेंगे. तो एडिशनल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात पर ध्यान दें कि आप कितना खुद को एजुकेशनली ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज जॉब मार्केट इज एक्सपांडिंग वेरी सून. साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है लेकिन टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है तो एक्सपर्टीज ज़्यादा रिक्वायर्ड है. इसलिए यू नीड टू बी अप विद इट दैट यस, कंपनी में ऐसा कुछ कल्चर है कि हाँ आपके लॉन्ग टर्म वेलबींग के लिए कंपनी आपको एडवांस कर रही है आपके करियर के अंदर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनीथिंग यू नेगोशिएट, एनीथिंग यू गेट चेंज, एनीथिंग दैट द कंपनी टेल्स यू, क्योंकि दिस इज समथिंग यू आर ऑफरिंग, गेट इट इन राइटिंग. अ कंपनी कैन पुल बैक, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डोंट पुल बैक ऑन दोज बेनिफिट्स, बट इट इज अ गुड साइन इफ दे गिव इट यू इन राइटिंग एंड दैट यस यू कैन ट्रस्ट द कंपनी. सो दोस्तों ये तो था एक जनरल बात कि जब आप एक ऑफर लेटर के बारे में सोच रहे हैं, जब कंपनी का जॉब आप लेना चाह रहे हैं तो उसके बारे में कैसे सोचें. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर किसी को भी आपको लगता है इस वीडियो से बेनिफिट होगा तो उन्हें ज़रूर शेयर करें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ सैलरी के बेसिस पे एक ऑफर लेटर ले लेते हैं, या काफ़ी सारे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स भी सिर्फ करंट सैलरी को देख के ऑफर लेटर ले लेते हैं लेकिन वो CTC को नहीं देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, और बाद में उन्हें पता चलता है कि सैलरी कम आ रही है. साथ ही साथ वो ये नहीं देखते कि अदर बेनिफिट्स क्या है जिनसे एक बेटर लाइफस्टाइल वो आज भी जी सकते हैं, साथ में ग्रो कर सकते हैं अपने करियर में, और एक फ्यूचर पोटेंशियल जो उनका स्टॉक ऑप्शंस दे सकता है, जो उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दे सकती है, उसे मिस कर जाते हैं. तो प्लीज शेयर दिस वीडियो जिन्हें भी आपको लगता है कि इससे बेनिफिट होगा, एंड डू लाइक द वीडियो इफ यू एंजॉयड इट, एंड शेयर एनी कमेंट दैट यू फील लाइक, एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव अबाउट हाउ टू थिंक अबाउट एन ऑफर लेटर, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट और ऐसे वीडियोज उन्हें भी मिलते रहे. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहां हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी सैलरी आप कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं, वो क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए एक अच्छी सैलरी नेगोशिएट करने के लिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.